हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त उर्जांक। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। इधर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सभी को ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम हमें बार बार पूछी जा रही है मेरे से कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। आज मैं इसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा। जब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम स्टूडेंट जो है वो ये चीज नोटिस करते हैं कि हम उसके टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई सुबह 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और एक हाइपोथेटिकल जो है एक काल्पनिक अपने लिए एक प्रेशर बना देते हैं, 8-9 घंटे पढ़ेंगे और उसको दीवार में चिपका देते हैं। होता क्या है कि जिधर हम चिपकाते हैं उधर की तरफ कभी मुंह नहीं करते और बार बार हमारे ऊपर एक जो है वो एक बोझ बन जाता है कि हम यार वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और धीरे धीरे गिल्ट फीलिंग आती है। एक्चुअली में आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, टाइम और मैनेजमेंट, यानी कि जो समय आपके पास है उसका आप महत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं समय को आप अपने हिसाब से कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, यही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से एक ऐसा मैजिकल मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको अभी तक मैंने अपने जिस स्टूडेंट को ये बताया है या उसको ये सिखाया है उसकी लाइफ में बहुत सडनली जबरदस्त चेंज हुआ है। तो आज मैं आपसे एक नए तरह के टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। शुरुआत करते हैं, आप अपना एक जो है वो पर डे पढ़ाई का एक सेगमेंट तैयार करिए कि भाई मुझे इस हफ्ते जो है वो 4 घंटे या 5 घंटे जैसी आपकी क्षमता, जैसे आपका टाइम है, उस पे आप तय करिए। हाइपोथेटिकल मत होइए कि मैं अचानक से 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ूं, नहीं। अब अंदाजा लगे कि आपने जो है पर डे 4 घंटे पढ़ाई करने का एक लक्ष्य रखा, तो आप 6 दिन के हिसाब से कुल 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। गुड, बेसिक यहीं से शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट के लिए जो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। फिर दूसरी बात, अपना एक जो है वो एक अप्रॉक्स टाइम टेबल तय करिए अपने हिसाब से कि इतने बजे आपको क्लास जाना है, इतने बजे आप सेल्फ स्टडी करने बैठ सकते। अब जैसे आप एक डायरी रखिए, भले चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, एक डायरी आपको रखनी पड़ेगी। वो 6 बजे उठना चाहते हैं तो आप एक 6 बजे का टाइम तय करिए कि भाई मुझे 6 बजे उठना है। उसके बाद मान लीजिए आपको 10 से 12 पढ़ाई करनी है या 2 से 4 पढ़ाई करनी है, उसमें आप अपना एक फिक्स करके रखिए जिससे आपका 4 घंटा मेंटेन हो जाए। अब मान लीजिए आप 6 बजे आपने लक्ष्य रखा और आप उठे 7 बजे, आप तुरंत उसके आगे जो है मेंशन करिए डायरी में -1 आवर, मेरा 1 घंटे का नुकसान हो गया। इसका मान लीजिए आप जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ने बैठे, तो अभी आप क्या करते हैं, आप जो है 12 से 2 घंटा कैलकुलेट करते हैं, मेरे 2 घंटे पढ़ाई हो गई। लेकिन होता क्या है कि हमारा दिमाग जो होता है वो ऑप्टिमली जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। कुछ आप सोचने लग गए, कहीं किसी वर्ड के साथ दूर चले गए, आपका कॉन्सेंट्रेशन काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ईमानदार रहिए अपने साथ, ईमानदारी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और यहां पर आपने मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई की, तो केवल 1 घंटा 20 मिनट ही इस पर लिखिए, 2 घंटा नहीं कि भाई 12 से 2 मैंने पढ़ाई, नहीं। अब अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितनी बार पानी पीने के लिए उठे, कितनी बार वॉशरूम जाने के लिए उठे, आप उसको जो है माइनस कर दीजिए, यानी आपने 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई की। इसके बाद एक बॉक्स बनाइए जिसमें आप जो है उस टॉपिक को लिख, उस समय को लिखते जाइए जो बार बार आपके साथ जो है वो आपका टाइम किल करे। जैसे फोन आ गया और आपने 20 मिनट फोन पे बात की, आपके मोबाइल में रहता है उसमें आपको बता देता है कितनी देर कॉल आई, या कितनी देर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, या आपने दोस्त ने आया, दोस्त बोला चलो भाई चाय पीने चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, और आप गए और आने जाने में आपका जो है वो 1 घंटा 45 मिनट कुछ बर्बाद हो गया, आप उसको लिख लीजिए और लिखते चले जाइए जितनी बार आप जो है अपना टाइम किल कर रहे हैं। सोने से पहले आप इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करिए, राइट। आप इसको जोड़िए कि भाई एक इसी तरह आप मान लीजिए शाम को 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ने बैठे और 1 घंटा जो है वो 20 मिनट फिर पढ़ाई की इसमें टोटल, तो आप इसको जोड़िए और यहाँ पर जो है आप मान लीजिए आपने इतनी पढ़ाई की, अब यहाँ पर आपका हुआ 2 घंटा 40 मिनट। अब आपका जो ये अचीवमेंट आया, आपने लक्ष्य रखा था 4 घंटे का, यानी आज के दिन में एक रेड बॉक्स बनाइए, तो 1 घंटा 20 मिनट जो है आपका माइनस जा रहा है। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो अब आपको दो चीजें पता करनी है, इसको भी कैलकुलेट करके लिखिए, मान लीजिए 20 मिनट 45 मिनट इस तरह करके आप आज आपने 3 घंटा जो है वो वेस्ट किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपको अब अपना टाइम किलर पता चल गया, ये पता चल गया कि कैसे मैनेज करना, और ये पता चल गया कि आज आप कितना पिछड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर इस चीज को मेथड्स को फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मजेदार बात है ये, इस चीज को आप मेंटेन करिए। और रही बात आगे, अगर मैं कोई बात कहना चाहता हूं, एक गुरु जो होता है एक दीपक की तरह होता है, दीपक जो रोशनी देता है अंधेरों में, लेकिन इस दीपक को मशाल में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपको है। ये जो अगर मैं जो चीज आप लोगों को ये बताता हूं अपने अनुभव से, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, ये सब तक पहुंचना चाहिए।
उन दोस्तों तक पहुंचना चाहिए जो संसार में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनको जरूरत है। तो मैं उन सभी छात्रों को इनवाइट करता हूं जो मेरी इस मशाल को थामने के लिए तैयार हैं, जो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो स्टूडेंट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8285894079 पर मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हाँ हम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और हमारे अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है और हम आपके इस वीडियो को, इस जो आपके एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, आपकी हर समस्या, जो समस्या मेरे तक पहुंच रही है उनके समाधान करने के लिए मैं रात दिन प्रयासरत हूँ।